हाय प्रिवान, आपका क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो संविधान में विभिन्न अनुच्छेदों का संशोधन के लिए निम्नलिखित तीन विधियां व्यवहार में लाई जाती है। पहला, अनुच्छेद 4 से 11 के अनुसार इस संशोधन के कुछ भागों में संशोधन संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से किया जाता है, परंतु इस प्रकार के अनुच्छेद बहुत थोड़े हैं। नए राज्यों को बनाने, पुराने राज्यों के पुनर्गठन, भारतीय नागरिकों की योग्यता परिवर्तन, राज्यों के द्वितीय सदन का बनाना अथवा उसे समाप्त करना, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित क्षेत्र संबंधी व्यवस्था में परिवर्तन के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। यह उल्लेखनीय है, इन मामलों का संबंध यद्यपि संविधान की व्यवस्थाओं से तथापि वास्तव में इसे संविधान के संशोधन नहीं माना जाता है। सेकंड पॉइंट है, संविधान के अनुच्छेद 368 के अधीन इसके कुछ भागों में परिवर्तन संसद के प्रत्येक सदन के कुछ सदस्यों के साधारण बहुमत परंतु उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से किया जाता है, परंतु आधे राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन आवश्यक है। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि राज्यों तथा केंद्रों की शक्तियों, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों संबंधी व्यवस्था, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व संबंधित परिवर्तन के लिए इस प्रक्रिया को अपनाया गया है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में इसके लिए कांग्रेस में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत तथा 3/4 राज्यों के समर्थन की आवश्यकता है, परंतु वह समर्थन राज्य सरकारों का है, विधानमंडल का नहीं है। ठीक है, सो थैंक यू।